दोस्तों ये है सैमसंग का गैलेक्सी M11 और ये स्मार्टफोन आपको 13,000 रुपये का मिलता है। अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की तो मुझे उतनी खास पसंद नहीं आई है, लेकिन आज हम इस फोन को कंपेयर करेंगे 13-14 हज़ार रुपये के आसपास लॉन्च हुए स्मार्टफोन से। तो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं यहाँ पे, रियलमी के कुछ स्मार्टफोन्स हैं, शॉमी के कुछ स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आज कंपेयर करने के लिए है शॉमी का रेडमी नोट 9 प्रो। अब यहाँ पे प्राइस गैप की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंस है। ये स्मार्टफोन 13,000 रुपये का है और ये स्मार्टफोन आपको 14,000 रुपये का मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिज़ाइन की और लुक्स की तो कहीं ना कहीं फ्रंट डिस्प्ले आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा और अगर हम बात करें बैक पोर्शन की डिजाइन की तो बिल्कुल डिफरेंस यहां पे आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट। सो इस वीडियो में कंप्लीट कंपैरिजन होने वाला है दोनों ही स्मार्टफोन का और आपको पता चल जाएगा कि एट द एंड दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी है और आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो आप देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करो, साथ में क्लिक कर दो बेल आइकन को ताकि आपकी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। चलिए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के लुक्स की, इन हैंड फील की। तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन को मैंने काफी टाइम तक यूज़ किया है, मतलब एक दिन ऑलमोस्ट यूज किया है ये कंपैरिजन बनाने से पहले सैमसंग M11 को, और यहाँ पे जो रेडमी का नोट 9 प्रो है इसको तो मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने इनहेल फील की तो यार एक्चुअल में आपको थोड़ा सा चीप फीलिंग आने वाली है सैमसंग के M11 के साथ में, क्योंकि यहाँ पे ये स्मार्टफोन काफ़ी लाइट लगता है और लगता है कि मतलब कोई ऐसे बढ़िया स्मार्टफोन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, यहाँ पे जो प्लास्टिक बैक आपको मिलता है ये आपको बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगेगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे रेडमी नोट 9 प्रो की तो ये स्मार्टफोन यार काफ़ी ऐसे अमेजिंग लगता है और ये स्मार्टफोन काफ़ी सॉलिड भी लगता है आपके हाथों में। और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन है बैक में और रियर में ग्लास बिल्ड स्मार्टफोन आता है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है इस फोन के साथ में। अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन के लुक्स की तो बैक पोर्शन आप देख सकते हैं और मुझे ऑनेस्टली दोस्तों यहाँ पे रेडमी नोट 9 प्रो का लुक्स ज्यादा अच्छा लगा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की, तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.67 इंचेस का फुल एसडी प्लस डिस्प्ले और ये जो डिस्प्ले है ये आईपीएस पैनल है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सैमसंग के गैलेक्सी M11 की तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.4 इंचेस का एचडी प्लस डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी आईपीएस नहीं है, यहाँ पे आपको एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको रेडमी नोट 9 प्रो में एक अच्छी डिस्प्ले के साथ साथ एक अच्छी क्लियरिटी भी देखने को मिलेगी और अच्छे कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें डे लाइट विजिबिलिटी की तो यहाँ पे मुझे खास फर्क देखने को नहीं मिला है। साइड बाई साइड आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले और यहाँ पे बहुत अच्छा क्लियर एक्सपीरियंस किसी भी फोन में मुझे नहीं मिला है। हालांकि आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको रेडमी नोट 9 प्रो की डिस्प्ले कभी लगेगा बेटर है और किसी किसी सिनेरियो में आपको लगेगा कि सैमसंग M11 की डिस्प्ले बेटर है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मोबाइल ट्रांस ने। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है जहां पे आप अपने पुराने स्मार्टफोन के डेटा को अपने नए फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पर। तो यहां पे करना क्या है कि आपको दोनों स्मार्टफोन को कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपका काम बिल्कुल डन है। और हाँ, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आपको मिलेगा 40% का डिस्काउंट, लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी गाइज यहाँ पे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास की, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको मिलता है सैमसंग के गैलेक्सी M11 में जो कि है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। वहीं अगर हम बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे की तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें रेडमी नोट 9 प्रो के कैमरे की तो यहाँ पे आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। जो 5 मेगापिक्सल कैमरा है वो माइक्रो कैमरा है और जो 8 मेगापिक्सल कैमरा है वो वाइड एंगल कैमरा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल कैमरा के साथ में सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। तो यहां पे अगर हम बात करें इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन की एक रिव्यू की तो वीडियो आने वाला है चैनल पे, फिलहाल यहां पे कुछ फोटोज हम आपको दिखाते हैं। तो अभी आप जो फोटो देख पा रहे हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे से प्राइमरी सेंसर पे ली गई है और आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है वो आपको किस फोन की अच्छी मिल रही है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यहां पे बहुत सारी पिक्चर्स और आप देख सकते हैं साइड बाई साइड। और दोस्तों अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन के कैमरा क्वालिटी की तो यहां पे जो सैमसंग का M11 प्रो है वो अच्छा काम करता है डेलाइट में, अगर हम बात करें यहाँ पे लो लाइट की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं अगर हम बात करें रेडमी नोट 9 प्रो के कैमरे की तो डेलाइट में भी परफॉर्मेंस अच्छी है और लो लाइट में भी अच्छा काम कर जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी की तो डेफिनेटली यहाँ पे रेडमी नोट 9 प्रो की सेल्फी बहुत अच्छी है अगर आप कंपेयर करेंगे सैमसंग M11 से। अभी दोस्तों आते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस पे, तो दोनों स्मार्टफोन में कॉलकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलता है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 450 आपको मिलता है सैमसंग के M11 में और स्नैपड्रैगन 720G आपको मिलता है रेडमी नोट 9 प्रो में। अब यहाँ पे
पे दोस्तों स्नैपड्रैगन 450 आपको मिलता है 13,000 रुपये में, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है। और सैमसंग यार मतलब ऐसे अपने इमोशंस के साथ हमेशा खेलता रहता है कि भाई मेड इन इंडिया या क्या है कौन सा नहीं है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक वीडियो हमने बनाया है, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है और कौन सा मेड इन इंडिया नहीं है। हालांकि यहाँ पे सैमसंग कहता है कि हम मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैं, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे हर एक पार्ट इंडिया में नहीं बनाया जाता, हालांकि यहाँ पे कुछ पार्ट जरूर बनाए जाते हैं। और शाओमी भी अच्छा काम कर रहा है, हालांकि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन्स असेंबल होते हैं शाओमी के, और अब तो जो मदरबोर्ड का पूरा काम है वो भी इंडिया में होने लगा है, शाओमी ऐसा क्लेम करता है। तो यहाँ पे मेड इन इंडिया कोई भी स्मार्टफोन नहीं है, दोनों स्मार्टफोन थोड़े से मेड इन इंडिया है और थोड़े से मेड इन चाइना है, तो ये आप समझ सकते हैं। हम आते हैं वापस से अपने प्रोसेसर पे, तो भाई यहाँ पे स्नैपड्रैगन 450 आपको मिलता है और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720 मिलता है। अगर दोनों स्मार्टफोन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और प्राइस गैप की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1000 रुपीज। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कंपेयर भी करेंगे, चाहे गेमिंग के अंदर चाहे परफॉर्मेंस पावर के अंदर, तो आपको रेडमी का नोट 9 प्रो बहुत आगे जाएगा और एक हल्की सी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस जो आपको देखने को मिलेगी वो जरूर से आपको Redmi Note 9 Pro में देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आप कहीं ना कहीं गेम खेलने का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल Samsung M11 को आप भूल जाइए, आपको ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा लैग बहुत ज्यादा हैंग देने वाला है, तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। अभी दोस्तों यहां पे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी की, तो यहां पे आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है आपको एक दिन में आप नहीं खत्म कर पाएंगे अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं। और यहां पे आपको मिलती है 5020mAh की बैटरी, तो 20mAh की बैटरी यहां पे ज्यादा आपको मिलती है, लेकिन चूंकि फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है, प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो बैटरी का कंजप्शन यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा। 18 वाट की चार्जिंग आपको मिलती है रेडमी नोट 9 प्रो में, वहीं 15 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है सैमसंग के M11 में। तो कहीं ना कहीं बैटरी के मामले में, चार्जिंग स्पीड के मामले में लगभग से दोनों स्मार्टफोन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, हल्का सा फास्ट चार्ज होगा यहाँ पे रेडमी का नोट 9 प्रो। इसके अलावा दोस्तों बात करिए कुछ और चीजों की, तो यहाँ पे भी आपको डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और रेडमी के नोट 9 प्रो में भी आपको डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे है सैमसंग की वन यूआई और रेडमी नोट 9 में है शाओमी की मी यूआई। अब यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वन यूआई थोड़ी सी बेटर मुझे लगती है, क्योंकि एड्स आपको देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, और शाओमी के फोन में आपको बार बार के एड्स मिलते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और काफी ज्यादा इरिटेशन होती है एड्स देखकर। तो ये एक चीज है कि भाई अगर आपको एड्स नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल से सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे 13,000 रुपए में तो हम इसको रिकमेंड नहीं करते बिल्कुल भी। यहाँ पे एक और स्मार्टफोन है सैमसंग का M30s या M31, इसको छोड़कर अगर आप वो सारे स्मार्टफोन लेंगे सैमसंग के तो ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे विनर कौन सा स्मार्टफोन है, तो गाइस यहाँ पे डेफिनेटली शाओमी का रेडमी नोट 9 प्रो एक आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे डिजाइन के साथ में आता है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा 1000 रुपीज, और मुझे लगता है कि अगर आप 1000 रुपीज देंगे तो आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो गाइस ये था कंप्लीट कंपैरिजन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए गुड बाय।